नमस्कार दोस्तों, शरद पवार के वकील रह चुके अश्विनी उपाध्याय ने आज एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मांग की है कि वोरा रिपोर्ट की जांच हो, वोरा कमेटी जो रिपोर्ट बनाया था उस रिपोर्ट की जांच हो। पूरी जो वीडियो है उनकी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊँगा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वोरा रिपोर्ट क्या है। दरअसल 1993 में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे नेताओं की जांच हुई थी और एक कमेटी फॉर्म किया था केंद्र सरकार ने, वोरा कमेटी, जिस कमेटी का काम था कि जो भी नेता लोग दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुक़ रख रहे थे, जिनका भी दाऊद इब्राहिम के साथ नेक्सस था, उन लोगों के बारे में एक रिपोर्ट बनाने के लिए। और वोरा कमेटी ने वो रिपोर्ट बनाई थी और वो सरकार को सौंपी थी, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग महाराष्ट्र के सरकारी कुर्सी में अभी तक बैठे हुए हैं, इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका दाऊद इब्राहिम यानी डी कमेटी के साथ गहरा रिश्ता है और वो हमारे देश के हित में नहीं, देश के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को पद्मश्री, पद्मभूषण अवार्ड मिलते हैं और वो अभी भी उनके पद में बैठे हुए हैं। तो अब मांग हो रही है कि वोरा रिपोर्ट की जांच हो और वोरा रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि इस देश के गद्दार कौन है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वोरा रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो एक दिन में गिर जाएगी। तो उनका इशारा किसकी तरफ है? उनका इशारा है उद्धव सरकार की तरफ। तो अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है कि वोरा रिपोर्ट पब्लिश होना चाहिए। अश्विनी जी ने ये भी बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे वो PIL भी फाइल करने वाले हैं ताकि ये जो वोरा रिपोर्ट है ये एक्सपोज हो जाए और हम सबको पता चल जाए कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जो गद्दार है, जो हमारे देश के हित में काम नहीं करते, जो लोग गद्दारी करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं और इतने दिनों से वो सत्ता में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी वो वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपके जो कमेंट्स हैं मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। 1993 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कई सारे नेताओं के दाऊद इब्राहिम से नेक्सस के बारे में पता चला था। सरकार ने वोरा कमेटी बनाई थी, वोरा कमेटी ने पूरी जांच करने के बाद उस समय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें उन्होंने कई बड़े नेताओं का नाम लिया था जो उस समय मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे। उन नेताओं में आज भी जो लोग दाऊद के मददगार थे, जो दाऊद के सिपा सलार थे, उसमें से कई लोग आज भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वोरा कमेटी के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है, वोरा कमेटी को सार्वजनिक करना जरूरी है। 1995 में दिनेश त्रिवेदी जी ने PIL किया था, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था केंद्र सरकार को कि वोरा कमेटी के ऊपर कार्रवाई करें। देश में अपराधीकरण को रोकने के लिए, जो राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया है, इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वोरा कमेटी के ऊपर कार्रवाई किया जाए, वोरा कमेटी को पब्लिश किया जाए। देश को जानने का पूरा अधिकार है कि दाऊद के कितने गुर्गे आज भी संसद विधानसभा में बैठे हुए। देश को जानने का अधिकार है कि दाऊद के कितने गुर्गों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिल चुका है। यदि केंद्र सरकार वोरा कमेटी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, वोरा कमेटी को पब्लिश नहीं करेगी, तो मैं फिर इसके लिए दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकार जनता की मांग को देखते हुए, देश हित में देखते हुए, तत्काल वोरा कमेटी को पब्लिश भी करेगी और कार्रवाई भी करेगी। एक बात और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर वोरा कमेटी को पब्लिश कर दिया जाए तो मात्र 24 घंटे में महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी।